सर प्लेटफॉर्म चैनल पर आप सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग दोज मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप 50 वन लाइनर क्वेश्चन डे 47। आज की क्लास में अति महत्वपूर्ण 50 वन लाइनर क्वेश्चन हम जीके जीएस के कवर करेंगे जो सभी आगामी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्लास स्टार्ट करते हैं 5 मिनट में 50 क्वेश्चन। सोमनाथ की लूटपाट का संबंध किस व्यक्ति से है? सुल्तान मोहम्मद गोरी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, गगन नारंग किस रूप से प्रसिद्ध है? एयर राइफल शूटर है जी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, घटिया वस्तु के लिए मांग गिरती है जब आय बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर फोर, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति रहती है 0 से 1 के बीच। क्वेश्चन नंबर फाइव, सार्क के पहले विस्तार में कौन सा देश 8वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ था? पहले 7 थे, 8वां कौन सा सदस्य देश जुड़ा है? अफगानिस्तान। क्वेश्चन नंबर सिक्स, चीन किस प्रकार का दलीय प्रणाली अपना रहा है? एक दलीय। क्वेश्चन नंबर सेवन, लोकपाल का विचार लिया गया है कहां से लिया गया है? स्कैंडिनेवियस या एक देशों से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर आठ, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है कहां से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर नाइन, राणा सांगा का समकालीन मुगल बादशाह कौन है? कौन था? बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दस, हिमालयी श्रृंखला का अंग नहीं है अरावली पर्वत श्रृंखला। ठीक है जी, हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है आयु के अनुसार। कौन कौन से हिमालय है 3? एक तो है महान हिमालय, नंबर 2 लघु हिमालय, नंबर 3 शिवालिक हिमालय, जबकि अरावली नहीं है, शिवालिक हिमालय होता है। क्वेश्चन नंबर 11, थीन हेम किस नदी पर बनाया गया है? व्यास नदी पर। थीन हेम बच्चों यह है, ये थीन डैम है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 12, अक्टूबर और नवंबर के महीनों में भारी वर्षा होती है, कहां पर होती है? कोरोमंडल तट पर। क्वेश्चन नंबर 13, जैद मौसम में उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? तरबूज है। 3 प्रकार की फसलें होती है। क्वेश्चन नंबर 11, वन रोपण एक प्रक्रिया है पेड़ लगाने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, विटामिन बी का अन्य नाम क्या है? राइबोफ्लेविन है। रत एक टोपी से मैं आपको याद करा चुका हूं काफी बार, रत एक टोपी, ऐसे विटामिन ए का रासायनिक नाम रैसे है रेटिनोल, थे से थायमिन, विटामिन बी का नाम एस एस्कोर्बिक एसिड, विटामिन सी का नाम डी का कैसे कैल्सिफेरोल, टो से टोकोफेरोल, और कैसे ए बी सी डी ई के है, रत एक टोपी से आपको याद हो चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका श्वसन अंग कैसा होता है? वातक होता है, जिसको बोलते हैं ट्रेकिया। क्वेश्चन नंबर 17, पुरुष में मरकरी के विषाक्तन में कौन सा रोग होता है? मिनीमाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, गुणसूत्रों में होते हैं क्या होते हैं? डीएनए और प्रोटोन, डीएनए और प्रोटीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? ये होता है यूरिया के कारण। थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक ज्यादा है बच्चों आज की क्लास में, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 20, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? पलियाह को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि में सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है? हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 22, तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि उसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 23, पानी की बूंदों को तेलीय परस्पर ने चिपकने का कारण क्या होता है? असंजक बल का अभाव। क्वेश्चन नंबर 24, भारी वायुमंडल में ओजोन की परत हमारी मदद करती है, किससे करती है? पराबैंगनी विकिरण का अवशोषण करने में। क्वेश्चन नंबर 25, मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? सूर्य का ध्रुवीयवर्त में देर तक चमकना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, एल्टा विस्टा है क्या? एक सर्च इंजन। क्वेश्चन नंबर 27, हीरे का एक कैरेट किसके बराबर होता है? 200 mg के। क्वेश्चन नंबर 28, धातु में कौन सा गुणधर्म सामान्य पाया जाता है? ये पाया जाता है भंगुरता। क्वेश्चन नंबर 29, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, स्थित विद्युत अवक्षेपित का प्रयोग किसे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? वायु प्रदूषण को। क्वेश्चन नंबर 31, कागज है कैसे जैव निम्नकरणीय पदार्थ? क्वेश्चन नंबर 32, मील जनजाति किस प्रदेश में पाए जाते हैं? ये मालवा क्षेत्र में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, नीलगिरी प्रदेश में कौन सी जनजाति पाई जाती है? होती है टोंडा जनजाति। क्वेश्चन नंबर 34, मलाई पशु विहार प्रसिद्ध है, कहीं के लिए प्रसिद्ध है? हाथियों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, भृंगेरी बद्रीनाथ द्वारका और पुरी में 4 मठ स्थापित किए गए थे आदि शंकराचार्य द्वारा। क्वेश्चन नंबर 36, आईसीसी द्वारा किस क्रिकेट को 20वीं शताब्दी का क्रिकेटर घोषित किया गया? कपिल देव को। क्वेश्चन नंबर 37, एटीएम किसका संक्षिप्त रूप है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। एटीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। क्वेश्चन नंबर 38, जीएनपी से एनएनपी निकालने के लिए किसको घटाया जाता है? ह्रास को। क्वेश्चन नंबर 39, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कब है बच्चों? 1 अप्रैल 1/4/2007 से 31/3/2012 तक।
क्वेश्चन नंबर 40, उपभोग फलन किसके साथ उपभोग से संबंध अभिव्यक्त करता है आई से। क्वेश्चन नंबर 41, मिश्रित अर्थव्यवस्था किसका उल्लेख करती है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों का सह अस्तित्व। क्वेश्चन नंबर 42, शून्यकाल किसका विवेकाधिकार होता है, स्पीकर का होता है, देने भारत की है। क्वेश्चन नंबर 43, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। क्वेश्चन नंबर 44 क्वेश्चन नंबर क्या कहते हैं, नई फर्मों को बाजार में प्रवेश नहीं करने दिया जाता एकाधिकार में। क्वेश्चन नंबर 45, किसने कहा है कि अल्पावधि में उपभोग प्रवृत्ति स्थिर होती है, किंज ने। क्वेश्चन नंबर 46, जूम लेंस क्या होता है, यह एक परिवर्ती फोकस दूरी वाला लेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 47, मार्स गैस किसे कहा जाता है, CH4 को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 48, रासायनिक दृष्टि से चूने का पानी क्या होता है, कैल्शियम डाई का, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्वेश्चन नंबर 49, रासायनिक दृष्टि से ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 50, पेयजल में रोगाणुनाशी के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, क्लोरीन का किया जाता है। आज की क्लास हमारी सही है, इस बार माफ होते हैं, यदि क्लास अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।